हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ चांदनी चौक। चांदनी चौक में आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ साड़ियों का लेटेस्ट कलेक्शन, लहंगा और बहुत सारे सूट के कलेक्शन। और आपको क्या क्या मिल जाएंगे यहाँ पे, मैं सारी चीज़ें आपको पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। तो वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं चांदनी चौक। तो ये दिल्ली का सबसे फेमस और बहुत ही पुराना मार्केट है, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑसम्स कलेक्शन साड़ियों के। साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस मार्केट है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। संडे वाले दिन भी इनफैक्ट बहुत भीड़ होती है, बट आपको संडे वाले दिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाते हो तो आपको थोड़ा कम भीड़ मिलेगा। तो हमने यहाँ से ई रिक्शा लिया। मेट्रो से उतरने के बाद हमें जाना था अरुण वस्त्र भंडार, जहाँ से हमें साड़ियों की शॉपिंग करनी थी, तो मैं आपको वहीं पे लेके चलती हूँ। तो हम यहाँ से पे रिक्शा से जा रहे हैं, मैं हूँ और ये मेरी भाभी हैं, तो हम लोग दोनों लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे रिक्शा से हम लोग गए थे, ई रिक्शा से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जो है अरुण वस्त्र भंडार, ये काफ़ी फेमस साड़ी की शॉप है। इसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट आपको मार्केट के बाहर का मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्राइडल्स के काफ़ी सारे ज्वेलरीज कलेक्शन मिल रहे थे, हल्दी मेहंदी, और अगर आप लहंगे वगैरह के साथ भी सेट चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स हैं वहाँ पर। तो हर शॉप्स खुली रहती है, बट संडे को थोड़ा सा जो है ना, सारे दुकानें नहीं खुली रहती हैं। बट और यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारी प्यारी ईयरिंग के कलेक्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ईयरिंग के काफ़ी कलेक्शंस आपको देखने के मिल जाएंगे। और देखिए, ये कितनी सुंदर ब्राइडल्स की जो ज्वेलरीज है, वो कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी इनकी स्टोर में। ये वाले भैया, आपको एकदम चांदनी चौक मार्केट में ही ये शॉप मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी शॉप है, यहाँ से आप लोग बिल्कुल परचेस कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, आपको बाहर के साइड भी लोग ऐसे इस तरह से स्टॉल में मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, ये लहंगा आपको मिल जाएगा। तो आपको लहंगा भी हर रेंज का यहाँ पे मिलता है। तो स्टार्टिंग प्राइस आप मान के चलो कि थोड़ी अच्छी लेनी है तो 5000 से आप पकड़ सकते हो। काफ़ी अच्छी ब्राइडल वाली लहंगे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये आप लहंगा देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लहंगा, ये पिंक मजेंटा कलर में काफ़ी प्यारी लग रही थी, बहुत ही ऑसम कलेक्शन था यहाँ पे। तो इस शॉप पे भी जा करके आप देख सकते हो, यहाँ पे सरारा गरारा बहुत सारी साड़ियों के कलेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए, ये मेहंदी वगैरह लुक के लिए इस तरह के पैटर्न में आप ग्रीन कलर का लहंगा ले सकते हो, काफ़ी प्यारी थी। यहाँ पे देखिए, ये चूड़ी के कलेक्शंस बॉक्स वाले मिल जाएंगे, जो आपको 100-100 रुपीज़ में ये वाले भैया आपको दे रहे थे, तो ये आपको हमेशा यहीं पे मिलेंगे, तो आप इनके शॉप से भी ले सकते हो। देखिए, ये जो पीस आप देख रहे हो मेरे हाथों में, ये 100 रुपीज़ के ये बैंगल सेट है, जो आप मीशो वगैरह से ऑनलाइन भी लेते हो तो आपको लगभग नियर अबाउट ऐसे प्राइस में तो नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये बाहर भी साड़ियों के शॉप्स है, काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे आपको हर रेंज की साड़ियाँ मिल जाएंगी, सिफोन, जॉर्जेट और कांजीवरम, जिस तरह के आप पैटर्न में लेना चाहो, सिल्क में, वो सारे तरह के फैंसी साड़ियाँ, सब साड़ियों के कलेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेट वाली साड़ियाँ काफ़ी जो भी चली हुई हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाले भैया बैठते हैं, तो इनके पास आपको पेटीकोट्स मिल जाएंगे। तो पेटीकोट जो है ना, आपको ये 120 रुपीज़ का दे रहे थे, और भी इससे भी लो क्वालिटी की भी थी, 100 रुपीज़ की भी थी, बट कपड़े की क्वालिटी में डिफरेंस थी। तो इनके पास बहुत सारे आइटम्स थे, जैसा कि आप साड़ी वगैरह भी देख सकते हो, ये थोड़े बहुत साड़ी वगैरह भी लेकर के अपने रखे थे, शर्ट पैंट के कपड़े भी रखे हुए थे। और यहाँ पे देखिए, इनकी ये साड़ी की शॉप है, ये साड़ी के शॉप पे भी आपको नेट की साड़ियाँ और सिफॉन फैब्रिक वाली साड़ियाँ, जो कढ़ाई की हुई साड़ियाँ, वो सभी तरह की साड़ियाँ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और हमेशा ही ये मार्केट ओपन रहता है, और आप मंडे टू संडे जब भी आओ तो आपको मिल जाएगा, और हर रेंज का। और यहाँ पे थोड़ी बार्गेनिंग भी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर जो स्टॉल्स होते हैं ना, तो वो तो फिक्स प्राइस तो बोलते हैं, बट आप अगर बार्गेनिंग कर सको तो सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे बार्गेनिंग चलती है। तो फ्रेंड, जब भी आप यहाँ से शॉपिंग करो तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग ज़रूर करो। यहाँ पे देख सकते हो आप, लहंगों की कलेक्शंस काफ़ी अच्छी रहती है। चांदनी चौक माना ही जाता है लहंगा, ब्राइडल लहंगा के लिए और साड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे लहंगा और ब्राइडल की जो भी कलेक्शंस आपको हैं, सब मिल जाएंगे एक ही जगह पर। और ये देखिए, ये लहंगे की कलेक्शन कितनी ऑसम कलेक्शंस है,
बहुत ही खूबसूरत एकदम वर्क तो इसकी काफ़ी अच्छी की हुई है, देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी। अभी इस पैटर्न की जो लहंगे हैं ना काफ़ी चले हुए हैं, तो आप इस तरह के लहंगे ले सकते हो। और यहाँ पे देखो ये जो लहंगा है काफ़ी खूबसूरत सा लहंगा था, यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा लग रहा था ये लहंगा। और ये बाहर ऐसे रखा हुआ था, इसके साथ एक अलग से दुपट्टा भी दिया गया था। और ये शेरवानी थी, काफ़ी प्यारी शेरवानी भी मिल रही थी। बहुत सारे जो ऐसे शॉप्स हैं वो मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए हम अंदर जा कर के आपको नहीं दिखा पाए। और क्योंकि हमें जो है अरुण वस्त्रालय से शॉपिंग करनी थी, हमने साड़ियों की कलेक्शंस वहीं से पिक की है, साड़ियाँ हमने वहीं से ली थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप लहंगा ही लहंगा सिर्फ दिखेगा आपको, हर फंक्शन के लिए आपको लहंगा मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत लहंगे की कलेक्शंस है। और यहाँ पे देख सकते हो आप ये सूट के पीस भी आपको मिल जाएंगे। और ये देखिए इस तरह की साड़ियाँ आपको भी, इस तरह की भी साड़ियाँ मिल जाएंगी जो आप मीशो वगैरह पे देख सकते हो, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, उस तरह की भी साड़ियाँ आपको यहाँ पे रिजनेबल रेट में मिल जाएंगी। और इस तरह से आपको पूरा शॉप दिखेगा कि दोनों साइड आपको, लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में ही आपको इस तरह की दुकानें हैं। और पूरा मार्केट खचाखच लोगों से भरा हुआ रहता है, काफ़ी गैदरिंग रहती है यहाँ पे। तो हाँ, अगर आप मॉर्निंग्स अर्ली मॉर्निंग संडे को आ जाते हो या अन्य दूसरे दिन भी अगर आप मॉर्निंग मॉर्निंग आते हो 9 बजे तक, तो काफ़ी अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी दुकानें जो हैं वो 8 बजे से खुल जाती हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आपको रेडीमेड ब्लाउज़ की भी कलेक्शंस मिल जाएंगी। कुछ शॉप्स ऐसे हैं जो काफ़ी स्टाइलिस्ट कूल लुक देने वाले हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाया है वीडियो में, देख सकते हो। यहाँ पे चिकनकारी कुर्तियाँ इस तरह के पैटर्न में मिल रहे थे। यहाँ पे ये देख सकते हो लटकन, काफ़ी खूबसूरत लटकन मिल रहे थे। तो यहाँ पे ये लटकन के प्राइस 100 रुपीज़ में बता रहे थे ये भैया, तो काफ़ी अच्छे हैं। ये भी आपको यहीं पे मिलेंगे रेगुलर, ये यहीं पे रहते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ये साड़ी की शोरूम दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी कृपा क्रिएशन है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियों के कलेक्शंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप आ कर के साड़ी परचेस कर सकते हो अगर आपको साड़ी लेना है तो। और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स लहंगों के कलेक्शंस, लहंगे हर मार्केट में ही, आप जहाँ भी थोड़ा आगे बढ़ोगे आपको सिर्फ़ और सिर्फ लहंगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे मैं दुकान का भी नाम आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ साथ में। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये साड़ियाँ देखिए आपको, ये 2000-2500 के रेंज में इस तरह की साड़ियाँ मिल जाएंगी। पूरे वर्क की हुई साड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी ये पर्पल वाली, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। इनफैक्ट 3000 रुपीज़ की थी। और भी इनके पास बहुत सारे कलेक्शंस थे तो उन्होंने मुझे दिखाया यहाँ पे। तो देख सकते हो आप ये रेड वाली साड़ी जो है ये 2000 या शायद नियर अबाउट वैसा ही कुछ था, मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। और ये ग्रीन वाली साड़ी आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत ग्रीन वाली साड़ी थी। तो यहाँ पे आपको हर रेंज के बाहर में भी शॉप्स काफ़ी अच्छे हैं, तो बाहर की जो दुकानें हैं यहाँ से भी आप ले सकते हो, हर तरह की रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी अच्छी हैं साड़ियाँ। तो अगर आपने अभी तक चांदनी चौक से शॉपिंग नहीं की है तो फटाफट से चांदनी चौक से भी आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, साड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और रिजनेबल रेट में, थोक रेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे होलसेल रेट में भी मिलता है, अगर आप बल्क में लेना चाहते हो तो आपको बल्क में भी मिल जाएगा। अगर बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो अपनी बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ से साड़ियों का कलेक्शंस पिक करें और बाहर ले जा करके वो सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह की भी आपको शॉप्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छी थी, तो हम लोगों को तो काफ़ी लेट हो गया था शॉपिंग करते करते, हमारे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी हमें यहाँ से, तो हमने बहुत सारी शॉपिंग की और भी बहुत सारी वीडियोस हमने यहाँ पे बनाई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चांदनी चौक की और भी दूसरे मार्केट की। तो ये काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ पे आपको हर तरह की कलेक्शन मिल जाएंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।